Hello everybody, welcome back to NEETPOT. My name is Absar Alam and you are watching NEETPOT. In the last lecture, we discussed about the taxonomy and systematics. Today in this lecture, we will discuss one of the aspects of the taxonomy, and that is the nomenclature. नॉमेनक्लेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है जैसे कि अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो और उसका आप पूरे जीवन भर कोई नाम ना रखें तो कैसा लगेगा. बस उसी तरीके से अगर कोई एनिमल, इससे पहले हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, सपोज कि आप कोई आइलैंड में जाते हैं, वहां से कोई एनिमल ले लेते हैं या छोटा सा ऐसा एनिमल आपको दिखता है जिसको कभी आपने देखा नहीं था, और उसको आप साइंटिस्ट के पास लेके आते हैं, फिर उसके आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और फिर क्लासिफिकेशन करता है. तो इसी तरीके से आज हम लोग इसको बात करने वाले हैं, यानी इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में. नॉमेनक्लेचर क्या होता है, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं. सो आइए देखते हैं नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर या हिंदी में इसको नामकरण बोलते हैं, यानी नेमिंग करना किसी भी एनिमल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करने को नॉमेनक्लेचर कहते हैं. जनरली क्या होता है, नॉमेनक्लेचर को हम लोग एक सिस्टम के द्वारा पढ़ते हैं और उस सिस्टम का नाम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. सो इसमें जो फर्स्ट है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जैसे कि बाई मतलब दो, नॉमेनक्लेचर यानी नाम के दो भाग होंगे, एक को जेनेरिक नेम और दूसरा जो है स्पेसिफिक एपिथीट होता है, यानी जिसमें स्पीशीज का नाम आता है. सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को किसने दिया था. गिवन बाय कार्लस लिनियस, इस साइंटिस्ट ने दिया था. और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कार्लस लिनियस ने प्लांट्स और एनिमल्स का जो नामकरण किया था या साइंटिफिक नेम दिया था, वो दोनों ही अलग अलग दिया था. कार्लस लिनियस ने सबसे पहले प्लांट स्पीशीज के साइंटिफिक नेम दिए और उनको अपनी एक किताब में स्पीशीज, जिसका नाम है स्पीशीज प्लांटरम, उसमें डिस्कस किया. उस किताब या उस बुक का जो पब्लिकेशन था वो 1753 में हुआ था. सो Linnaeus proposed the scientific name of plants and animals separately in his बुक, इन हिज बुक्स. अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट के लिए, यानी जिसमें उन्होंने अपनी फॉर प्लांट ऐसे लिख सकते हैं, फॉर प्लांट, तो इसने अपनी बुक में लिख, कौन सी बुक, स्पीशीज प्लांटरम, इस नाम से बुक थी, इसमें इन्होंने पब्लिश किया. और इसका जो पब्लिकेशन हुआ प्लांट के लिए वो हुआ 1753 में, पब्लिश्ड. ये वहीं अगर हम लोग एनिमल्स के केस में बात करें तो फॉर एनिमल्स, अगर जब आप देखेंगे तो इसमें इन्होंने एनिमल्स के लिए दूसरी किताब के में साइंटिफिक नेम दिए और उस किताब का नाम था सिस्टमा नेचर. जो है ये दूसरी किताब है जो कि एनिमल्स के लिए साइंटिफिक नेम, यानी एनिमल्स का साइंटिफिक नेम दिया गया. और उस किताब का जो पब्लिकेशन हुआ है वो हुआ है यानी इन 1758, और उसका भी कौन सा, टेंथ एडिशन में. सो ये तो थी बेसिक चीजें जिसके बारे में, नॉमेनक्लेचर के बारे में कार्लस लिनियस ने बताया, और प्लांट्स और एनिमल्स को सेपरेटली दो अलग अलग बुक्स में उन्होंने मेंशन किए. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है जिसे हम लोग बोलते हैं ICBN एंड ICZN, यानी जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नेम एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नेम.
एक लिख लेता हूं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नेम, बोटानिकल नेम एंड इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नेम, जूलॉजिकल नेम। सो ये दो स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल, इसी से हम लोग बोटानिकल, जैसे कि पता है आपको प्लांट्स के लिए, और जूलॉजिकल जो है ये एनिमल्स के लिए एक ऐसा कोड है जिसके हिसाब से हम लोग नेमिंग करते हैं। अगर हम लोग ICBN की बात करें, यानी ICBN, तो ये प्लांट्स के लिए है, यानी ग्रुप ऑफ रूल्स इसमें जनरेट किया गया, और इसकी जो एक्सेप्टेंस है यानी एक्सेप्टेड इन 1961, यानी 1961 में ICBN को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके मेन रूल्स क्या हैं जो कि बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग है। सो हम लोग यहां पे लिखेंगे मेन रूल्स, मेन रूल्स, यानी इसके बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण करने की क्या क्या तरीके हैं, उसके क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या नियम है, उसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप बाइनोमियल सिस्टम को देखेंगे तो इसमें पहला रूल जो आता है कि एनी नेम, कोई भी नाम है तो कंसिस्ट्स ऑफ टू कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स, वन इज जेनेरिक, जेनेरिक नेम बोलते हैं, और दूसरा बोला जाता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एपिथीट। ये दो कंपोनेंट होगा किसी नाम का, जिसमें से पहला नाम जो होगा वो जेनेरिक होगा और दूसरा स्पेसिफिक एपिथीट यानी स्पीशीज का नाम होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां पे अगर हम लोग प्लांट्स के केस में करें तो टॉटोनिम्स, टॉटोनिम्स, टॉटोनिम्स आर नॉट अलाउड, आर नॉट अलाउड इन केस ऑफ, इन केस ऑफ प्लांट, इन केस ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के केस में टॉटोनिम्स अलाउड नहीं है। टॉटोनिम्स का मतलब होता है कि जहां पे टॉटोनिम्स, टॉटोनिम्स कहते हैं कि जेनेरिक नेम एंड स्पीशीज नेम, जेनेरिक नेम और स्पीशीज नेम जो है वो इक्वल हो या सेम हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल के रूप में आपको बताऊं, जैसे मैंगो है, उसका साइंटिफिक नेम जो होता है मैंगो का, मैंगो, तो ये होता है मैंगी फेरा इंडिका, इंडिका। अब देखिए यहां पे जो मैंगी फेरा इंडिका है, मैंगी फेरा एक जेनेरिक नेम है, इंडिका एक स्पीशीज का नाम है। तो किसी मैंग यानी प्लांट का नाम आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसे हो जाए मैंगी फेरा, मैंगी फेरा ऐसा नहीं हो सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं यानी जेनेरिक नेम और स्पीशीज का नेम जो है वो समान, एक समान, एक ही तरह नहीं हो सकता है। जबकि अगर हम लोग बात करें यानी जो टॉटोनिम्स है, टॉटोनिम्स आर अलाउड इन केस ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स के केस में अलाउ होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें यहां पे नाजा, नाजा ये नाम है इंडियन कोबरा का, इंडियन कोबरा जो सांप होता है, स्नेक होता है, उसका नाम है नाजा, नाजा। इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं रैटस, 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 रैटस ये नाम है रैट का। तो एनिमल के केस में टॉटोनिम्स अलाउड है, जैसे आप देख सकते हैं जेनेरिक नेम और स्पीशीज नेम दोनों समान होता है, जबकि प्लांट्स के केस में ये टॉटोनिम्स अलाउड नहीं है। तो ये दूसरा रूल था। अब हम लोग थर्ड रूल को देखते हैं।
तो थर्ड है कि जब भी आप जेनेरिक नेम लिखें तो उसका कैपिटल, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होगा. सो फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम विल बी इन कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर. व्हाइल द फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीशीज विल बी स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर. जैसे आप देख रहे हैं मैं यहां पे लिखा हूं मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा का एम कैपिटल से है और इंडिका का आई जो है वो स्मॉल से है. और फोर्थ जो रूल है वो है कि जब भी आप किसी साइंटिफिक नेम को लिखें और हैंड रिटन लिखें तो उसे अंडरलाइन करना मस्ट है सेपरेटली. सो व्हेन नेम्स आर हैंड रिटन देन दे मस्ट बी अंडरलाइंड सेपरेटली. उसे बिल्कुल पृथक रूप से अलग अलग अंडरलाइन करना जरूरी है जैसे मैंने यहां कहा. लेकिन अगर आप इसको टाइप करते हैं या प्रिंट करते हैं सो बट व्हेन दे आर प्रिंटेड दे शुड बी इन इटैलिक्स में करना जरूरी है. ये इटैलिक्स से क्या शो करता है कि इट हैज या इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, जो कि लैटिन वर्ड अब डेड लैंग्वेज है, अब उसका इस्तेमाल नहीं होता है. सो इटैलिक्स मीन्स ओरिजिन जो है, ओरिजिन इज लैटिन, ठीक है, लैटिन वर्ड से लिया गया है ऐसा है. ये दो रूल और हम लोग इसमें लिखेंगे. पहला यानी पांचवें के बाद छठा रूल ये है कि कोई भी जो साइंटिस्ट का नाम है वो जेनेरिक नेम और स्पीशीज के नेम के बाद शॉर्ट में लिखा जाएगा अंत में. सो आइए उसको भी देखते हैं. सो रूल नंबर सिक्स है कि साइंटिस्ट नेम should be written in short after generic and species name. ये short में लिखा जाएगा. जैसे मैं अगर कहूं यहां पर लिखा है मैंगीफेरा इंडिका एंड साइंटिस्ट का नाम है लिन, तो ऐसे शॉर्ट में लिखा जाएगा. अब सेवेंथ जो रूल है जो कि लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो साइंटिस्ट का नाम है यानी साइंटिस्ट नेम शुड नॉट बी अंडरलाइन या ऐसे लिख सकते हैं नाइदर शुड बी अंडरलाइन नॉर इन इटैलिक्स. यानी आप साइंटिस्ट के नेम को या तो अंडरलाइन भी नहीं कर सकते हैं और ना ही आप उसको इटैलिक्स में लिख सकते हैं. तो दीज आर द रूल्स अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम. बाइनोमियल मतलब जहां पे दो कंपोनेंट होते हैं नाम के किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जब हम लोग नामकरण करते हैं या नेमिंग करते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एज मच